डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल चौहान की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेज के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल चौहान की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेज के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मेडिकल कॉलेज के सभी प्रशासनिक तथा शैक्षिक खंडों, अस्पताल तथा हॉस्टलों में विभिन्न स्थानों पर एंटी रैगिंग से संबंधित साइनेज स्थापित किए जाएं तथा इन साइनेज बोर्डों पर एंटी रैगिंग अधिनियम से संबंधित प्रावधान, हिदायतें तथा संपर्क सूचना स्पष्ट रूप से लिखी गई हो। कॉलेज में प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष के MBBS छात्रों से उनके माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर युक्त एंटी रैगिंग शपथ पत्र लेना सुनिश्चित किया जाए। विशेषकर प्रथम वर्ष के MBBS छात्र छात्राओं के हॉस्टलों में एंटी रैगिंग अधिनियम के प्रावधानों को लेकर साइनेज तथा सायरन स्थापित किए जाएं। इसके अतिरिक्त 24 घंटे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। हर माह एंटी रैगिंग दस्तों का गठन सुनिश्चित किया जाए। सत्र के शुरू के महीने में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल तथा छात्रावास परिसर में नियमित रूप से पुलिस गश्त लगाई जाए। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, हॉस्टल तथा जरूरत के अनुसार अन्य स्थानों पर CCTV कैमरे भी स्थापित किए जाएं। तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को कोई भी विभाग 112 नंबर पर किसी भी समय जानकारी दे सकता है। MBBS एडमिशन सत्र के शुरुआती महीने अगस्त माह से अक्टूबर माह तक एंटी रैगिंग कमेटी की मासिक बैठक होगी तथा इसके बाद त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर संस्थान के संयुक्त निदेशक राकेश शर्मा, एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रियंका डांगरी के अतिरिक्त कमेटी के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।